ओम शांति। अभी हम पियर घर में हैं। यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है क्योंकि अभी हम पियर घर में हैं। जो यहां फैशन नहीं करेगा वहां सजा सजाया रहेगा। जो यहीं कर लेगा तो फिर ये घिसे पिटे चीजों में, क्योंकि उसकी बुद्धि फैशन की तरफ जाएगी तो बाप का कहना वो मान नहीं पाएगा, तो सत्युग में कैसे जाएगा। और यहां का फैशन, आर्टिफिशियल चीजें, आर्टिफिशियल चीजों में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है ओरिजिनल चीज से भी, और इसी के पिछाड़ी कहीं फंस जाते हैं। तो कई तो बाबा का हाथ सिर्फ फैशन की वजह से भी छोड़ देते हैं कि उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनने हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं कि नहीं हमको हमने जाना है टेस्ट करने। कहीं सोचते हैं हम ना बाहर घूमेंगे फिरेंगे ऐसे, मना शादी करेंगे तो फिर उसके बाद इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और उनकी शादी ऐसी जगह हो जाती है कि किधर भी नहीं जा पाते। कहीं ऐसा सोचते हैं और उनको ये नहीं पता कि आज का समय कैसा है। भगवान ने अगर ये श्रीमत दी है तो बच्चों को बचाने के लिए ही दी है ना। तो कोई कहेंगे देवी देवता भी शादी कर, उस समय और इस समय में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है। तो अभी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से समझाया जा रहा है ना। अब आपको मास्क लगाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी है? ये आपको 4 साल पहले कहा था किसी ने मास्क लगाओ, तभी तो आपके मुखड़े देख ही रहे थे। अभी लगा लिया आपने, क्यों? क्योंकि अभी की ये रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो ना। तो उसी तरह से आत्मा की डिक्रीजिंग से आप अगर इंक्रीजिंग में जाना चाहते हो, माना आगे बढ़ना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे ही गिरते आए हो, अभी ऊपर उठना है तो फिर क्या करोगे? बंधन बनाने हैं तो भले बनाओ, बहुत बंधन है, अभी तो कुछ ना कर सके। ये अभी तो समझ आ रहा है, फिर कईयों को समझ भी नहीं आती। तो कहीं फैशन की वजह से भी चले जाते हैं, उन्हें फैशन पसंद है, उन्हें ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनना, ऐसे ऐसे बाल बनाना, ऐसे ऐसे आभूषण पहनना, ये पसंद है। और यहां पर आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो कहीं इसलिए भी चले, इसलिए नहीं कि किसी ने कुछ कहा। फैशन खींच के ले जाता है, कई बार फैशन है इतना खतरनाक होता है वो भी खींच के ले जाता है, मोह होता है ना उस चीज से भी, वो भी ले जाता है। कहेंगे आपको किसी ने कुछ कहा, कहेंगे नहीं। आपको किसी ने कुछ किया, ऐसे कुछ कह दिया, आपका मना दे अभिमान आ गया, क्या हो गया? नहीं, अच्छा नहीं लगता ये जीवन, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी लगता है ये जीवन, अच्छा वो भी लगता है वो जीवन। तो फैशन भी कई बार बाबा का हाथ छुड़ा देता है कि बहुत बाबा से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। अब प्यार और फैशन, बाप कहे कि पियर घर में रहते फैशन नहीं करना, माना और कन्या कहे मुझे तो करना है, तो वो बाप के घर में थोड़ा रह पाएगी। अब बाप कहे नहीं करना, कन्या कहे करना है, तो बाप कहेगा अब क्या करें। ऐसे भी आज भी आप कलयुग में कईयों को देखते हो कि इस घर में क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा समझाते हैं, कन्या को हमेशा इतना फैशन नहीं कराते हैं, ये वैसे कायदा रहा है। फैशन इतना खतरनाक है, और ये फैशन बाबा से कैसे अलग कर देता है? कहीं ना कहीं किसी के अंदर, कन्याओं के अंदर, भाइयों के अंदर, कहीं ना कहीं किसी चीज की ऐसे आकर्षण रह जाती है, तो वो आकर्षण उन्हें खींच के ले जाती है, क्योंकि उनको लगता है मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, और बाहर की दुनिया देखने के चक्कर में वो बाप की दुनिया से दूर हो जाते हैं। तो अभी हम पियर घर में हैं, यहां किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। देखो, फेस चाहे कितना भी कोई श्रृंगार ले, अगर उसके संस्कार ही अच्छे नहीं है तो वो फिर अच्छा ही नहीं लगता। तो इसीलिए बाबा आज संगम पर हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। पवित्र रहना है, पवित्रता में ऑटोमेटिकली आकर्षण है, पवित्र रहना है, खुशबू भी है, आकर्षण भी है पवित्रता में। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। ओम शांति।